नमस्कार, मैं हूं अंजलि और स्वागत करती हूं आपका द टॉप स्टोरी में। योगी राज में आखिर वही हुआ जिसका सबको अंदेशा था। बहराइच दंगे के आरोपियों का आज पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। यह दोनों आरोपी नेपाल भागने की फिराक में थे, लेकिन उससे पहले ही दोनों पुलिस की गोली से घायल हो गए। तो आज हम द टॉप स्टोरी में बात करेंगे इसी एनकाउंटर की। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज्य में वही हुआ जिसका सबको डर था। दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी है और कुल मिलाकर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस गिरफ्तारी और एनकाउंटर के बाद बहराइच में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। एक्शन के रिएक्शन को पुलिस विभाग सक्रिय हो गया है। वहीं हर बार की तरह इस बार भी विपक्ष भी एनकाउंटर पर सरकार को घेरने में जुट गया। इतना बड़ा आयोजन हो रहा था, उसमें पुलिस सुरक्षा क्यों नहीं थी? पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की है। अब प्रशासन और शासन मिलकर के अन्याय कर रहा है, अन्याय। योगी के उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में हुई हिंसा के दो आरोपियों का एनकाउंटर हो गया है। आरोपी नेपाल भागने की फिराक में थे। घटना वाले दिन से पुलिस उनके पीछे लगी हुई थी। आज पुलिस को इनकी लोकेशन हाथ लगी, जिसके बाद इनको ट्रैक किया गया। जिन आरोपियों का एनकाउंटर हुआ उनके नाम सरफराज उर्फ रिंकू और मोहम्मद तालीम उर्फ सबलू है। एनकाउंटर को लेकर पुलिस मुख्यालय में बड़ी बैठक चली। इस बैठक में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर सहित कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। मामले में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने बताया कि पुलिस द्वारा 5 आरोपी पकड़े गए हैं। जानकारी के मुताबिक कुल 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। इनमें एनकाउंटर में 2 को गोली लगी है। मामला नेपाल सीमा के पास हांडा बसेहरी नहर के पास का है। घायल आरोपियों के पैर में गोली लगी है, एक के दाएं और एक के बाएं पैर में। बुलेट एग्जिट पॉइंट नहीं मिला है, गोली अंदर फंसी हुई है। ऐसे में उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है। ये बहराइच का प्रशासन का फेलियर और शासन का फेलियर है। जो लोग जीरो टॉलरेंस की बात करते थे, जो लोग कहते थे और इस बात को कभी नहीं बोलते थे कि हर आयोजन को वो बड़े शांतिपूर्ण ढंग से कराते हैं, तो आखिरकार जहाँ इतना बड़ा आयोजन हो रहा था उसमें पुलिस सुरक्षा क्यों नहीं थी? और क्या प्रशासन को जानकारी नहीं थी कि किस तरह का वहाँ क्या क्या हो रहा है? पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की है। अब प्रशासन और शासन मिलकर के अन्याय कर रहा है, अन्याय। पहले 2 की निशानदेही पर मर्डर में प्रयुक्त हुए हथियार की बरामदगी के लिए जब पुलिस टीम लेकर गई तो इनके द्वारा वहां रखे हथियारों से पुलिस पर फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में दोनों को गोली लगी है। दोनों गंभीर रूप से घायल हैं, उनका उपचार कराया जा रहा है। मर्डर में उपयोग किया हथियार बरामद हो गया है। इस बीच अब्दुल हमीद की बेटी रुखसार का बयान सामने आया है। रुखसार ने कहा कि कल शाम 4 बजे मेरे पिता, मेरे 2 भाइयों सरफराज और फहीम और एक अन्य युवक को UPSTF ले गई थी। मेरे पति और मेरे बहनोई को भी उठाया गया है। हमें डर है कि वह मुठभेड़ में मारे जा सकते हैं। रविवार को जो वहां दंगा हुआ है उसमें जिस आदमी की मृत्यु हुई है उसका इल्जाम मेरे पिता और मेरे भाइयों पे आया है। मेरे पिता का नाम अब्दुल हमीद और मेरे भाई का नाम सरफराज अहमद और मोहम्मद फहीम है। उस दंगे के बाद 14 तारीख को STF की टीम मेरे घर पहुंची और वहां केवानागंज पहुंची मेरे ससुराल, और वहां मेरे घर की तलाशी ली। जब वहां कोई नहीं मिला तो वो लोग मेरे पति ओसामा और मेरे देवर शाहिद को लेके चले गए। उसके बाद से उन लोगों का कोई अता पता नहीं चल रहा है। कल 16 तारीख को जो है मुझे गांव से कुछ पता चला कि जो है कल 16 तारीख को गांव से मुझे खबर मिली कि धर्मकांटे के पास से मेरे पापा और मेरे भाइयों को अरेस्ट कर लिया गया है। उनके साथ 1 लोग और हैं, 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है, लेकिन उनका भी कुछ पता नहीं है। ना उनका कहीं कुछ दिखाया जा रहा है, किसी थाने में भी वो नहीं है, ना कोई कप्तान कुछ बता रहे हैं, ना मीडिया में कुछ पता चल रहा है। हमको डर है कि उनका फर्जी इनकाउंटर दिखा के उनकी हत्या कर दी जाएगी, और मेरे पति ओसामा और साहिद को भी इसी
मेरे पति ओसामा और शाहिद की भी हत्या कर दी जाएगी। माननीय हम निवेदन माननीय अध्यक्ष से निवेदन करना चाह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाह रहे हैं कि हमको डर है कि उनकी हत्या कर दी जाएगी, इस वजह से उनकी सुरक्षा की अपील कर रही हूं। बताया जा रहा है कि ये आरोपी बहराइच हिंसा में मारे गए रामगोपाल मिश्रा की हत्या में शामिल थे। इन्होंने ही साथियों संग मिलकर रामगोपाल पर गोली चलाई थी। तो घटना के वक्त के कुछ वीडियो सामने आए हैं जिनमें अब्दुल हमीद की छत पर 4 से 5 लोग नजर आ रहे हैं, जहां कुछ देर बाद रामगोपाल को गोली मारी गई। महाराजगंज में जो 13-10 को एक बहुत दुखद और दुर्दांत घटना हुई थी, जिसमें एक युवक को गोली मार के हत्या कर दी गई थी, उसी के क्रम में हमारी टीम ग्राउंड पे काम कर रही थी, सभी अभियुक्तों की हमें तलाश थी। तो आज 5 मुख्य अभियुक्त पुलिस के कब्जे में आ गए हैं, जिनमें से 2 अभियुक्त जो हैं, जिनका नाम है मोहम्मद तालीम उर्फ सबलू और मोहम्मद सरफराज उर्फ रिंकू, इनकी निशानदेही पे पुलिस की टीम्स मर्डर वेपन की रिकवरी के लिए गई थी, जो कि इन्होंने नेपाल बॉर्डर के समीप नानपारा क्षेत्र में छुपा कर रखी हुई, और वहां पर जब गई तो जो DBBL गन मर्डर में उपयुक्त यूज हुई थी उसको लोडेड हालत में रखा गया था, और एक और अवैध असला इनके द्वारा वहां पे छिपाया गया था, और इनके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षा में की गई जवाबी फायरिंग में इन दोनों को भी गोली लगी है, ये घायल हुए हैं, इनको उपचार उपलब्ध पुलिस द्वारा करा दिया गया है। और बाकी 3 अन्य मुख्य अभियुक्त भी, अब्दुल हमीद और उनके पुत्र फाहिम तथा मोहम्मद अफजल, इनकी भी गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें, बहराइच के थाना हरदी क्षेत्र के रेहुआ मंसूर गांव निवासी रामगोपाल मिश्रा बीते रविवार की शाम करीब 6 बजे दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए निकले जुलूस में शामिल था। ये जुलूस जब महाराजगंज बाजार में समुदाय विशेष के मोहल्ले से गुजर रहा था तो 2 पक्षों में कहासुनी हो गई। आरोप है कि इस दौरान छतों से पत्थर फेंके जाने लगे, जिससे विसर्जन में भगदड़ मच गई। इस बीच रामगोपाल को एक घर की छत पर गोली मार दी गई, जिससे उसकी मौत हो गई। रामगोपाल की मौत की खबर के बाद महाराजगंज कस्बे में बवाल शुरू हो गया। आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने आरोपी के घर समेत कई वाहनों में तोड़फोड़ की और उसमें आग लगा दी। हिंसा का दौर अगले दिन भी जारी रहा, जिसके चलते जिले में भारी पुलिस फोर्स बुलानी पड़ी। खुद CM योगी ने मामले को संज्ञान में लिया। फिलहाल हालात सामान्य है। इस एनकाउंटर के बाद बहराइच में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सी न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बहराइच में दुर्गा पूजन विसर्जन जुलूस के दौरान जो हिंसा हुई, जो वहां बवाल हुआ, अब उन बवाल के आरोपी जो थे वो पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उनका एनकाउंटर कर दिया गया है, जिसकी आशंका जताई जा रही थी ठीक बिल्कुल वैसा ही हुआ। बता दें कि आरोपी के परिजन यानी उसकी बहन भी, उसका कहना था कि एनकाउंटर उनका कर दिया जाएगा, और ठीक उस तरह हुआ भी, उनका एनकाउंटर कर दिया गया और फिलहाल उनका उपचार जारी है। अब इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता बहराइच से मोहम्मद अकील हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी मोहम्मद अकील, क्या हालात है इस वक्त वहां पर, क्योंकि जिस तरीके से आशंका जताई जा रही थी कि एनकाउंटर कर दिया जाएगा, और आरोपी की बहन का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो कह रही है और सुरक्षा की उसने मांग की थी कि उनका एनकाउंटर कर दिया जाएगा, उसके पिता को और उसके भाइयों का, थी बिल्कुल वैसा ही हुआ, तो अब आप इसको कैसे देखते हैं? आपको बता दूं कि ये जो एनकाउंटर हुआ है, ये एनकाउंटर के बाद उनकी बहन रुखसार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जी। और जैसे पुलिस का आरोप है कि इन लोगों की गिरफ्तारी के बाद इनकी निशानदेही पर कहीं जो असलाह छिपाया गया था उसको वहां बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था, नानपारा के हाणा बसारी इलाके में, जहां पर जब ये लोग गए हैं बरामदगी के लिए, वहां फिर जो है इन लोगों ने असले लोडेड असलाह रखा हुआ था, जिसको इन्होंने पुलिस पर फायर किया, जिसके बाद जवाबी फायर में जो है इन लोगों को गोली लगी जी। तो अब फिलहाल वहां पर क्या हालात है, क्योंकि लगातार लखनऊ में मैराथन बैठक हुई और लखनऊ से लेकर दिल्ली तक चर्चाओं का बाजार इस एनकाउंटर से गर्म है, तो फिलहाल बहराइच की जो सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे थे, अब वहां पर किस तरीके की सुरक्षा देखी जा रही है?
लगातार यहाँ पर पीएसटी और सैनिक बल के साथ मासी के पूरे इलाके को जो है घेरा गया है, वहाँ पर कर्फ्यू लगा हुआ है। लेकिन जो इनकाउंटर हुआ है, इससे जो हिंदू संगठन है और जो उनके इलाके के लोग हैं उनमें काफी खुशी देखने को मिल रही है। लोग एक सोशल मीडिया पर जो है अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि जो इनकाउंटर हुआ है अच्छा हुआ है। फिलहाल जो इन दोनों का इनकाउंटर हुआ है, दोनों के पैर में गोली लगी है और उसके बाद इनको प्राथमिक उपचार के लिए नानपारा ले जाया गया, जहां पे प्राथमिक उपचार के बाद इन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है। अस्पताल के चारों तरफ जो है पुलिस और एसटीएफ का घेरा है, वहां किसी को भी आने जाने नहीं दिया जा रहा है और हर इलाके में जो सेंसिटिव क्षेत्र हैं वहां पर अर्धसैनिक, पीएससी और पुलिस लगातार गश्त कर रही है। जी मोहम्मद अकील, क्या जो आरोपी हैं जिनका एनकाउंटर हुआ है उनके परिजनों से क्या आपकी बात हुई है? जिस तरीके से उनकी बहन का एक वीडियो सामने आया, तो क्या एनकाउंटर के बाद आप उनके परिजनों से आपकी बातचीत हुई है? नहीं, उनके परिजनों का कोई अता पता नहीं है। उनकी बहन जो रुखसार है, उनका इनकाउंटर के कुछ घंटे के बाद उनका एक वीडियो आया है और रुखसार का ये आरोप है कि बुधवार की रात को उनके घर पर एटीएस गई थी और जिसमें उनके पिता अब्दुल हमीद और उनके भाई सरफराज और एक छोटे भाई फहीम और एक अन्य आरोपी को जो है एटीएस उठा के ले गई है और उसके बाद जो है इसी घटना को अंजाम दिया गया। तो पुलिस को इनका सुराग कैसे लगा? अब इस बात पर सवाल है क्योंकि लगातार जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिए हैं उस पर एटीएस लगातार काम कर रही थी और पुलिस का कहना है कि ये सभी आरोपी नेपाल भागने की फिराक में थे, जो इस इलाके को पूरा जो है एटीएस घेरे हुए थी, तभी जो है इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। क्या इस मामले में किसी पुलिस अधिकारी की प्रतिक्रिया सामने आई है? क्योंकि जिस तरीके से ये लोग, पांच लोग बताए जा रहे हैं, क्या और भी लोग इस हंगामे में शामिल थे, इस बवाल में शामिल थे? नहीं, जो इसमें नामजद एफआईआर किए गए थे इसमें कुल पांच लोग नॉमिनेट किए गए थे, बाकी अन्य अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया था। जो भी इसमें मुख्य आरोपी पांच बनाए गए थे उनको एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है और एटीएस और पुलिस अधीक्षक एसपी बरंदा शुक्ला का भी बयान आया है, एटीएस के एडीजी का भी बयान आया है कि जो आरोपी है सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है और जो भी सख्त कार्रवाई है वो आगे जो है अमल में लाई जा रही है। मोहम्मद अकील, गोपाल मिश्रा जिसकी इस बवाल में हत्या हुई थी और सीएम योगी से वो मिलने पहुंचे थे, मदद की गुहार लेकर पहुंचे थे, उनको आश्वासन भी वहां से मिला था, तो अब इस एनकाउंटर के बाद उनकी क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है? अभी क्योंकि उनसे हमारी बात नहीं हो पाई है और उनकी प्रक्रिया अभी कुछ हम कह नहीं कह सकते हैं क्योंकि लगातार उस इलाके में जो है हर्ष का माहौल है, एक दूसरे को लोग बधाई दे रहे हैं कि जो सरकार की जो मंशा है, सरकार जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि उचित कार्रवाई होगी तो कार्रवाई हुई है, इसलिए उनके परिजनों में काफी खुशी देखने को मिल रही है। जी मोहम्मद अकील, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतनी जानकारी देने के लिए। तो बता दें कि मुठभेड़ नानपारा कोतवाली के बाईपास पर हुई, वहीं बहराइच में जिस मकान मालिक अब्दुल हमीद पर, रामगोपाल मिश्रा पर गोली चलाने का आरोप है, उसकी बेटी रुखसार बता रही है कि कल 4 बजे मेरे पिता अब्दुल हमीद, मेरे दो भाई सरफराज फहीम और उनके साथ एक अन्य युवक को यूपी एसटीएफ ने उठा लिया है और उसके बाद आपने जिस तरीके से देखा कि उनका एनकाउंटर भी कर दिया गया है जिसकी आशंका जताई जा रही थी, ठीक बिल्कुल वैसा ही हुआ। इस एनकाउंटर से बहराइच में काफी हर्ष का माहौल भी नजर आ रहा है, लेकिन इस एनकाउंटर को देखते हुए वहां पर पूर्ण सुरक्षा भी कर दी गई है। फिलहाल आज द टॉप स्टोरी में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। Thank you.